हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पर्श मेरे ऑफिशियल। आज एक खास दिन है, आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन मैं सोच रहा था मेरे लिए ऐसे क्या गिफ्ट ले लो ताकि जो यूज में भी आए। और वैसे भी हम लोग राइड्स जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोग लद्दाख गए थे और पुणे में एंड महाराष्ट्र में ऐसे भी हम लोग राइड्स करते हैं। तो राइड करने के लिए जरूरी एक चीज है, होती है, वो है सबसे पहले हेलमेट। तो हाँ, आपने सही गेस किया, हम एक ऐसे हेलमेट को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि डॉट सर्टिफाइड है, एरोडायनामिक शेप है। और मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो, तब देख लीजिए, खुल जा सिमसे वाकई में, आप देख तो लीजिए, एक नजर डाल तो लीजिए। काफी अच्छा है मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे एक्चुअली मैं हाँ इसके पीछे पे एक स्टोरी है। मैं जो हेलमेट लेने जा रहा था वो था बोल्ट बनी, जिसका कुछ वेबसाइट्स पे फोटोज आए थे। तो मेरा एक फ्रेंड है द ब्लीपर, उसने मुझे कुछ फोटोज बोल्ट के फोटोज उसने मुझे सेंड किए थे कि भाई ये अच्छा हेलमेट है, सस्ता भी है और अच्छा है, एक बार अपन लेके ट्राई करते हैं कैसा हेलमेट है। तो उसके जो फोटोज थे बने एडिशन, तो वो हेलमेट का जो मेरे बोल्ट बनी वाला एक हेलमेट आता है इसमें, जिसके ऊपर काफी ग्राफिक्स है, बनी के ग्राफिक्स है, तो एक्चुअल में हम लोग लेने जाने वाले थे वो, बट हमको मिला एक अच्छा सा मैट फिनिश। लुक एट दिस, पूरा मैट फिनिश है ये हेलमेट। एयर इवेंट्स यहां पे भी, दिख रहा हूं मैं नहीं, काफी अच्छा हेलमेट है। मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था बोल्ट बनी का जो ग्राफिक वाला हेलमेट है उसके लिए, और हमारा था और मुझे चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी ग्राफिक वाले हेलमेट पसंद नहीं है, बट मैं ट्राई करने जा रहा था वो बनी बोल्ट वाला हेलमेट, और ये फर्स्ट लुक में ही मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा। हाँ, और एक दोस्तों, इसमें ये जो वाइजर है वो नहीं आता है, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेटा के लिए है वहां से। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इसके साथ जो वाइजर आता है वो मैं आपको बताऊँ। तो ये जो हेलमेट है इसके साथ ये वाइजर मिलता है, ये भी काफी अच्छा है। तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा था कोई वाइजर में कलर है क्या, एक्चुअली आई वांट ब्लू कलर इंडा, पर वो हमको मिला नहीं, ये कलर मिला। इसका प्राइस भी ठीक ठाक है, तो फिर इसका प्राइस देखिए, मेरा फ्रेंड बोला भाई जल्दी से उठा ले बवाल हो जाएगा, मैंने तुरंत I'm going to go to the next one.
लिटरली वेगा ने काफी प्रोग्रेस किया अपने हेलमेट्स को लेके। जो मेरा सबसे पहला हेलमेट था वो वेगा का ही था, देन अभी नए नए ब्रांड्स आए उसके कंपटीशन में ये हेलमेट काफी अच्छा है। शॉप वालों ने मुझे ये सजेस्ट किया हेलमेट मैट ब्लैक। तो आपको कैसे लगा ये हेलमेट कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपको एक अच्छा सा कंटेंट दे सकूं। अच्छे से हेलमेट के रिव्यू भी करें क्योंकि मैंने मेरे खुद से परचेस किया है। सो साइन अप यू गाइस, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।